ब्राइट ब्राइट दिखाई दे रही हूँ आज, सिर्फ मैं हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, मोस्टली आप लोगों को मैं सुबह ही मिलती हूँ, सो इसलिए तो चलिए सुबह सुबह का है, काम कर लेते हैं, शुरू करते हैं किचन में भगवान का लेके नाम, और जिससे काम हो जाए हमारे जल्दी जल्दी। सो देखिए, मैं यहाँ पे आजकल आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लिख के जरूर कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी रेसिपीज आप लोगों को कैसी लग रही है ये भी मुझे बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। तो यहाँ पे मैंने तेल लगा लिया था, मतलब जितना भी मुझे चाहिए था, और वो गर्म हुआ, उसके अंदर मैंने डाला है प्याज, थोड़ा बड़ा बड़ा कट किया है, और हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। सो मैं इनको है ना फ्राई कर रही हूँ, तो थोड़ा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, बस ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सी हो गई है, तो उतने करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है अदरक और टमाटर, ये सब मैंने डाल दिया है, ठीक है। और इसको अच्छे से चला लेंगे बढ़िया तरीके से, और इसको है ना हमें पकाना है, मतलब ये दो पक जाएगा ना तब हमें इसे बंद कर देना है। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काजू भी, सो काजू डालेंगे, और जो ग्रेवी का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आने वाला है, सो हम काजू इसमें डाल देंगे आराम से। मैं 15 के करीब डालूँगी इसमें काजू, आप अपनी सब्जी की क्वांटिटी के अनुसार इसमें काजू ऐड कर सकते हैं। तो काजू की जो कहते हैं ना ग्रेवी तैयार करते, तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सो इस वजह से मैंने इसमें काजू डालूंगी। तो थोड़ा सा मैं देख रही थी कि टमाटर प्याज हो जाए तब डालूं, अब मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से पकने के लिए इसे कवर करके छोड़ देंगे, जिससे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और बढ़िया तरीके से पक जाए, क्योंकि फिर मुझे इन्हें पीसना भी है, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने जब इसको हटा के देखा ना, तो अब काफ़ी हद तक ये पक चुके हैं, सो मुझे मैं मतलब जैसे देखिए टमाटर को मैं प्रेस कर रही हूँ ना, तो वो दब रहा है, तो काफ़ी अच्छे से हो गया। मैं तो इसको यहीं यहीं पे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर रही हूँ, और बस अब इसको है ना मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी, और बस इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि हमें गर्म गर्म नहीं पीसना, ठंडा करके पीसना है। और देखिए, मैंने जो है मसाला सारा निकाल लिया था, ठंडा होने के बाद मैंने उसको पीस लिया है, ग्रेवी तैयार कर ली है। अब हम फिर उसी कढ़ाई में तेल डालेंगे, जिससे क्योंकि अलग कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, उसी में बनाएंगे। और जब तेल डालने के बाद जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, कोई जीरा ऐड नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपने जो ग्रेवी बनाई है ना आप उसको ऐड कर दीजिए इसमें। तो क्या है ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डाल रही थी, क्योंकि ये ना ग्रेवी को हमें घुमाते भी रहना है, कभी जल ना जाए, और जब ऐसी ग्रेवी बनाते हैं ना तो चिपक सी जाती है उसमें। सो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके और अच्छे से इसे घोल लिया है, जिससे ये सारा इसमें से बैटर है ना जो निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारा बैटर ले लिया है, और अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से चलाते हुए बढ़िया तरीके से पकाएंगे इसको, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल क्रीमी क्रीमी इसका जो टेक्सचर हो गया है, ठीक है। तो देखिए, ग्रेवी अपना ऑयल छोड़ने लग गया है, तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, जितना मुझे इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, सो मुझे लेवल में लेके आना है, तो इतनी गाढ़ी नहीं, क्योंकि ठंडियों के ये और गाढ़ी हो जाएगी। सो मुझे पानी मिक्स कर दूंगी मैं इसमें, और अच्छे से इसे बॉयल होने दूंगी, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता, तो इसमें अब कुछ और भी ऐड नहीं करूँगी, ठीक है ना। और जब एक उबाल आ जाने लग जाए, तो मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, क्योंकि मैंने कुछ इसमें ऐड नहीं किया था, नमक भी डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया, हल्दी कर दी थोड़ी सी, वैसे ही पीली पीली लग रही है, बट थोड़ी सी हल्दी ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है ना। और गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब मिक्स कर दिया है, और अच्छे से इसे चलाते हुए है, और इसे कवर करके रख देंगे, अच्छे से पकने देंगे, बढ़िया तरीके से पकने देंगे। इतने हम जो पनीर है, पनीर के पीसेस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो ग्रेवी है काफ़ी अच्छे से पक गई है और अच्छी हो गई है, सो अब इसके अंदर हम पनीर के पीसेस ऐड करेंगे। उससे पहले आप मलाई इसमें ऐड कर दीजिए, तो आप चाहे तो बनने के बाद भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, तो मैंने इसमें अभी ऐड कर दिया, थोड़ी सी बचा ली है ऊपर से ऐड करने के लिए। तो आप घर वाली, मैंने तो ये घर वाली मलाई डाली है, तो आप चाहे तो बाजार वाली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मलाई से ना इसका जो टेक्सचर है और ज़्यादा क्रीमी क्रीमी हो जाएगा। तो ये मैं पता नहीं, मैं इसे शाही पनीर बोलूँ
या मलाई पनीर बोलूँ, क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, बस इतना पता है पनीर की सब्ज़ी है। सो आप देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं। और यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने जो मार्केट में बाज़ार में पनीर की सब्ज़ी मिलती है ना, उसमें ट्रायंगल शेप के कटे होते, तो मैंने वैसे ही कट किए हैं, बड़े बड़े पीसीस कट किए हैं। और सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब लग रही है देख के, मुझे अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बच्चे देख लेंगे तो सच में वो भी जिद करेंगे। सो पर सब्ज़ी बड़ी ही टेस्टी बनी थी, तो मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इस तरीके से मैंने कट किए हैं। तो बाज़ार में जब आप जाओगे ना तो इसी तरीके से मिलता है। सो देखिए कितना अच्छा मतलब टेक्स्चर आ गया है। अब इसके अंदर हम इसके अंदर कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, क्योंकि वही तो जान डालेगी इसके अंदर। तो हमने डाल दी है इसके अंदर कस्तूरी मेथी, ठीक है, और इसे चलाएंगे और इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। और देखिए मैंने थोड़ी देर ढक के पकने के लिए छोड़ा था, और ये आप देखिए साइड से मैंने इसको खरोच रही हूँ, जो ये थोड़ी बहुत लग गई है। और सब्ज़ी है ना बहुत टेस्टी बनी थी, और सब्ज़ी मेरी रेडी है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। और सच कहूँ तो बस सबसे पहले भोग मैंने ही लगा लिया था, क्योंकि मुझे बड़ी तेज भूख लग रही थी, बच्चे को नहीं लग रही थी, बट मेरे पास है ना बासी रोटियाँ रखी हुई थी, मैंने बासी रोटी ली और सब्ज़ी ली और खा ली, मुझे बहुत तेज़ से भूख लगती, मैंने ऊपर से डाल दी इसमें मलाई, तो बहुत अच्छी बनी है सब्ज़ी। प्लीज़ ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ की लाइटिंग चेंज हुई है, सो इसलिए मैं इतनी ब्राइट ब्राइट दिखाई दे रही हूँ, पता है ऐसा हो रहा है, एक मिनट, यहाँ बहुत ब्राइट दिख रहा है, और मैं आपको शीशे में दिखाऊँ कैसी दिख रही है, ये देखो कितना चेंज आ रहा है ना। तो हाँ, ये लाइट बंद करते हैं, एक्चुअल में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ सब पॉइंट्स बंद कर रही हूँ। मुझे ना एक्चुअली लेके जाना है महक को डॉक्टर के, तो चलिए आज आपको थोड़ा सा हम सोच रहे हैं बाहर घुमा देते हैं, तो चलते हैं पहले डॉक्टर के चलते हैं, और फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। आज सिर्फ मैं घुमाऊँगी बच्चों को और कोई नहीं है। यही था ना, सॉरी ये तो हो गया, मैं कुछ और ही मेरे दिमाग में चल रहा था। तो चलिए चलते हैं। ओके, ताला ताला बन गया, यहाँ है, बच्चे नीचे चले गए। अंधेरा हो रहा है, एक मिनट। तो हम सबसे पहले डॉक्टर के आ गए हैं, पहले इसका कान दिखाएंगे फिर और काम करेंगे। सो यहाँ पे पर्ची वगैरह कट गई थी और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, डॉक्टर आए नहीं थे। सो यहाँ पे करने के बाद जब डॉक्टर से दवाई वगैरह सब ले ली, फिर यहीं पे साथ में है मंदिर, तो ये गीता भवन का स्पेशल एंड बहुत ही पुराना मंदिर है। गीता भवन का जो स्पेशल मंदिर है ये बहुत ज़्यादा, मैं पहले इस मंदिर में आया करती थी पूजा करने, पर अब तो मेरे घर से थोड़ा दूर पड़ता है, पर पहले वाले से नहीं पड़ता था, सो इसलिए। तो ये मंदिर कुछ इस तरीके का है, मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आसपास मतलब मंदिर ही मंदिर है, जैसे यहाँ पे हैं बजरंग बली जी, ठीक है, ये देख लीजिए आप, एक मिनट, बहुत शेक हो रहा है फ़ोन, पता नहीं चला मुझे। सो यहाँ पे बच्चे भी आ गए, अभी हम देख रहे हैं क्योंकि आधे मंदिर बंद हैं। यहाँ पे हर एक भगवान के मंदिर हैं, चाहे कृष्ण हो, राधा जी हो, चाहे महाकाली हो, सब के मंदिर हैं यहाँ पे। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बच्चे अपने अपनी में मस्ती कर रहे हैं। आते वक्त में पहले मैं मंदिर घुमा लेते हैं ना, चलो हैंकी नहीं लेके, नहीं नहीं तुम्हें हमेशा बोला है ना हैंकी लेके चला करो, आपकी आपकी ड्रेस से पूछ लो, मार खाएंगे ना मेरे हाथ से अगर उल्टी बातें करेंगे। अरे दे दे भगवान की पिक्चर, भगवान को मजा, भगवान को मजा। और क्या, इतना बड़ा पेड़ हो गया, पहले भी बड़ा ही था ही हमेशा की। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था चल रही है, शायद रहा कुछ फेस्टिवल वगैरह शुरू होंगे, हम रात को आएंगे, आ सकते हैं, आ तो सकते हैं, पर अभी कुछ पता तो चले यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है क्या नहीं। अच्छा तो पूछ नहीं, चलेंगे तो लेके चलेंगे, रात में चलेंगे ना पापा के साथ।
अरे जब पता चलेगा ना, जब वो पेपर में आ जाता है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। पेपर तो कल आएगा, मैं पेपर भी करूँगा। भाग क्यों रहे हो? मैं ब्लैक कलर लूंगी, मैं ब्लैक पे ही चलूंगी। तो अभी है ना मंदिर तो मतलब इस टाइम पे बंद था, इसलिए मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाई। सो इस फिर कभी आएंगे, फिर कभी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। फोटो उधर क्या कर रहे हैं तनी? हाँ ऐसे नहीं करते बेटा। तनी क्या हो गया इनके? अरे आ जाओ जल्दी आओ तानिया, रुको। अभी हम आ गए हैं और बच्चे ना जिद करने लगे, मम्मी पार्क चलो पार्क चलो। तो मैं अभी ऊपर घर में नहीं गई, पार्क में आ गई हूँ। हाँ हाँ तुम झूलो। तो अभी हम पार्क में बैठ गए आराम से यार, पास कटा दो रहा है। बच्चे यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे फिर घर पे जाएंगे। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड